हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पूजा फैशन बुटीक पे। दोस्तों आज हम बाजू का डिज़ाइन बनाएंगे जो बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। अब इसमें हमें सबसे पहले निशान लगाना है। तो दोस्तों हमें ऊपर से मुड्ढे से 7.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इसके बाद में हम यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी हमें यहाँ से गोलाई देना है और यहाँ से हम हल्का सा राउंड देना शुरू करेंगे। तो निशान हमें इस तरह से लगाना है। अब इसकी हमें कटिंग कर देना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल सटा के कटिंग करना है। तो बाजू हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से भी हमें अलग कर देना है। तो बाजू की शेप कुछ इस तरह से आएगी। तो पहले हमें इसमें पाइपिंग लगा लेना है यहाँ पे दोनों साइड में। सब्सक्राइब कीजिए पूजा फैशन बुटीक चैनल को, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये दोस्तों हम 1.5 इंची चौड़ी पट्टी हमें और रेब में इस तरह से जो खिंचाव होता है पट्टी में तो कटिंग कर लेना है और इसके बाद में हमें इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। ये दोस्तों हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हमें लब पे सिलाई लगा देना है। दोनों को एक साथ में मिला के सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने पट्टी को फोल्ड कर लिया है और सिलाई इसमें लगा लिया है। अभी एक्स्ट्रा कपड़ा हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। अभी बाजू की हम एक पट्टी लेंगे, एक तरफ का पल्ला ये हमारा उल्टा है तो हमें इसे नीचे की तरफ रखना है इस तरह से और यहाँ से हम जितनी मोटी पाइपिंग निकालनी है उसी हिसाब से हम दबाव देते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसे इस तरह से नाखून से फिनिश कर लेना है। बाहर की तरफ हम इसे फोल्ड करके इस तरह से नाखून से फिनिश करेंगे। अब इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और पाइपिंग के लब से सिलाई लगानी है। देखिए हमने इस तरह से पाइपिंग लगा लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे भाग में भी पाइपिंग लगा लेना है तो हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ पाइपिंग लगा लिया है। हम दोस्तों 3.5 इंची चौड़ी पट्टी कट करेंगे इस तरह से। ये पट्टी हमने डबल फोल्ड कर रखा है तो इसे हम बीच से कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देना है और एक पैर का दबाव देते हुए सिलाई लगानी है। अब इसे आप इस तरह से प्रेस से फोल्ड कर लें
या फिर इसी तरह से निशान लगा लें इसमें। तो ये हमें इस तरह से सिलाई लगाना है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है। अब दोस्तों इसी तरह से हमें ये दूसरी पट्टी भी कटिंग कर लेना है। इसका भी एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर देना है। अभी नहीं हमें पलट लेना है। अब इन पट्टियों में हमें अच्छी तरह से प्रेस लगा लेना है। इस तरह से हमने दोनों ये पट्टियों को पलट लिया है। अब बाजू को हमें इस तरह से रखना है और हम सबसे पहले ऊपर यहाँ पे अटैच करेंगे बाजू को। तो इस तरह से हमने बाजू को यहाँ से ऊपर से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें इस पट्टी को सिलाई से अटैच कर लेना है। हम इसमें निशान लगा लेंगे पहले इस तरह से बराबर रख के, ऊपर से बराबर करके निशान लगाना है हमें। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी अटैच करना है। तो बाजू कुछ इस तरह से तैयार हुई है हमारी। अब यहाँ पे हमें वो बना देना है। तो देखिए बाजू हमारी कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। और फ्रंट पल्ले का आर्महोल हमें कटिंग कर देना है। तो फ्रंट पल्ले का हम पहले आर्महोल कटिंग कर लेते हैं। हमने बाजू को तैयार कर लिया है। अब हमें बाजू को इस तरह से फोल्ड करना है और निशान पे हमें सिलाई लगा देना है। अब इस नीचे जो दबाव है हमारा, तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। दोनों को हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इससे क्या है कि ये बाहर हमारी नोक नज़र नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने बाजू को तैयार कर लिया है। अगर ये आपको डिज़ाइन बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेके। दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं
कि डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।